पीएचई डेली वेजर्स ने आज ऑल जे एंड के पीएचई आईटीआई ट्रेड एंड सीपी वर्कर्स एसोसिएशन के झंडे तले प्रेस क्लब जम्मू के निकट एक जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पीएचई डेली वेजर्स की मांग थी कि उन्हें जल्द से जल्द स्थायी किया जाए। गौरतलब है कि पीएचई डेली वेजर्स पिछले कुछ समय से लगातार यह मांग उठाते रहे हैं कि उनकी नियुक्तियों को स्थायी किया जाए, परंतु सरकार की तरफ से केवल कोरे आश्वासनों के अलावा उन्हें कुछ भी ठोस हासिल नहीं हुआ है। अभी कुछ ही दिनों में जो समय सीमा हमने मांगी थी वो पूरी होने वाली है, लेकिन हम आपके माध्यम से मंत्री साहब तक भी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि ठीक है कि कश्मीर की हालत खराब है, तो क्या आप जम्मू के हालात भी खराब करना चाहते हो? क्या यहाँ के जो लोग जो डेली रात दिन अपना काम कर रहे हैं, क्या यहाँ भी आप वही बेल्टगन चले, यहीं भी पथरा चले, कश्मीर के अंदर 500 रुपया एक बंदे को दाढ़ी मिलती है, तो हमें मजबूर होकर जम्मू में पथरा चलाने पड़ेंगे? उस तब जाके गवर्नमेंट की नींद खुलेगी। और अफसोस की बात है कि जो नेता लोग अभी पहले 15-17 गणतंत्र दिवस 17 मनाया गया, झंडा लहराया गया, लेकिन अभी भी हम आजाद नहीं है, अभी भी हम यहाँ के भगवा मजदूरी कर रहे हैं। जब तक 4000 डेलीवर को इंसाफ नहीं मिलेगा हम सड़कों पे रहेंगे और हम लड़ाई लड़ेंगे मरते दम तक, चाहे इस लड़ाई को जम्मू से हमें दिल्ली से लेनी पड़ेगी, हम वहां के लिए तैयार हैं।